तो ये देखिए दोस्तों, आज है हम लोगों के बीच में एकादशी का पर्व, और इधर देखिए यहाँ पे है गन्ना। तो गन्ना के सामने जस्ट दिए जलाए जाते हैं, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिए सब कुछ जल के बिल्कुल तैयार हैं, और इधर सामने देखिए हमारी मम्मी जी हैं, तो अभी पूजा करेंगी। तो हम जस्ट अपने पुराने कच्चे मकान में हैं और कच्चे घर में ही हैं, और अभी हम लोग पूजा स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली देखिए दोस्तों, यहाँ पे है हमारी मम्मी जी, और जस्ट हम अपनी मम्मी जी के साथ में ही है। ये देखिए मिट्टी के बनाए हुए बर्तन का ये है घंटी, और जिसको देखिए अभी हम बजा रहे हैं। बजा के इस तरीके से हम लोग एकादशी का पर्व मनाते हैं। और अभी देखिए दोस्तों, हम लोग एकादशी के पर्व के दिन, आज ही के दिन, हर एक जगह पे अपने घरों में दिए जलाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम सारे दिए को इकट्ठा करके अपने इस सूप में रख रहे हैं, क्योंकि सूप पे ही आज के दिन दिए को रख के जलाया जाता है, और इसको बड़ा ही पवित्र माना जाता है। तो चलिए आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, आगे का नज़ारा हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली देखिए दोस्तों, हमने अपने सारी दीपों को अब सूप में इकट्ठा कर लिया है, और यहाँ पे हम जस्ट सबसे पहले अपने इस गन्ने की पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद जस्ट दोस्तों हम अपने हर एक जगह पे इस दीप को जलाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे कच्चे मकानों का मेन गेट है, मेन दरवाजा है, जो कि मिट्टियों की वजह से काफ़ी दब चुका है, और यह दोस्तों अब बिल्कुल खुल नहीं पाता, बहुत मुश्किल से यहाँ आना जाना होता है। तो बड़ी मुश्किल से देखिए हम आप लोग के सामने अपने सूप भरे दीप को निकाल के बाहर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे का नज़ारा हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यह है हमारा बहुत ही पुराने समय का कुआं। हम यह कुआं बचपन से ही देखते आ रहे हैं। सर्वप्रथम अपने एक कुएं पे दीप को जलाएंगे, उसके जस्ट तुरंत बाद दोस्तों, और यह है दोस्तों हमारा चाक, जिसपे हम मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं। तो यहाँ पे भी दीप जलाना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसी से हमारे मिट्टी का बर्तन बनता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तुलसी माँ का पूजा होता है, यहाँ पे भी दीप जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये भी देखिए दोस्तों, चाक ही है जिस पे मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, जैसे कि आप लोग बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। यह है दोस्तों साइकिल, साइकिल पे भी हम लोग दीप जरूर रखते हैं। और यह देखिए दोस्तों, ये है नलकूप, क्योंकि इससे हम लोग का जल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस पर भी दीप रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यह देखिए दोस्तों बाइक, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, और अभी तक नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सो जाइए वीडियो को देखिए और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे हमारे भैंस रहती हैं, वहाँ पर भी दीप जलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसी के कगार में जस्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आपको ले चलते हैं जहाँ पर हम चारा बालते हैं अपने भैंसों के लिए, वहाँ पर भी हम दीप जलाएंगे। और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यह चारा पालने की मशीन, और इस पर भी दीप जलाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बाथरूम है, तो यहाँ भी दीप जलाते हैं हम लोग। और जस्ट देखिए इसी के साथ में ये हमारे चाचा जी हैं, और चाचा जी के साथ में हम भी हैं, तो हम और हमारे चाचा जी दोनों लोग मिल के, ऐसा लोगों का, बुज़ुर्गों का कहना है कि यहाँ पे जो भी पुराने इष्ट देवता हैं उनके लिए भी दीप जलाया जाता है, तो यहाँ भी हम लोग उनके लिए दीप जला रहे हैं, और उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग वीडियो पे बस बने रहें, आपको सब कुछ नज़ारा आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो फाइनली देखिए दोस्तों, उसी के कगार में जस्ट हम आ चुके हैं अपने खेत में। ये देखिए दोस्तों, हमारा आलू का खेत है, और आलू के खेत में देखिए हमने दीप को जला दिया है, और जस्ट दोस्तों उसी के कगार में हम जाएंगे अपने इस खेत में, जहाँ पे देखिए अभी हमने धान की कटाई कर रखी है, इस वाले खेत में भी अपने हमने दीप को जलाया,
और यह देखिए दोस्तों, ये हमारा देसी खाद, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं देसी खाद का नज़ारा। और यहाँ पे भी हम लोग दीप ज़रूर जलाएंगे, क्योंकि इसी से हम लोगों को अनाज की प्राप्ति होती है, और देसी खाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है खेतों के लिए। और यहाँ जस्ट हम पहुँच चुके हैं दोस्तों अपने साउंड सिस्टम के पास, तो ये है हमारे साउंड सिस्टम की सारी मशीन है, तो यहाँ पे भी दीप जलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोस्तों इसी के साथ धीरे धीरे हम और भी आगे बढ़ते हैं, और देखिए अब हम अपने घरों में अपने घर के सामने जस्ट दीप जलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दीप जलाने से माँ लक्ष्मी का आह्वान होता है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हमेशा बना रहता है। और ये देखिए हमारे सीढ़ियों का मेन गेट है, और ये हम जस्ट अपने छत के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर भी हम दीप जला रहे हैं। और इसी के कगार में दोस्तों अपने कमरे में भी, अपने रूम के सामने भी दीप जलाएंगे, और जस्ट थोड़ा सा और आप लोग को हम आगे लेके चलेंगे। आप लोग के जस्ट सामने ही हमने एक और लैपटॉप परचेस किया था, जैसा कि इसकी भी वीडियो हमने बनाया था, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा आपको ऊपर आए बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सो जाइए और इस वीडियो को देखिए, बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अपने लैपटॉप और कैमरे पर भी दीप जला दिए हैं। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे है सिंघाड़ा, आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, काला काला। और यहाँ पे देखिए ये है शकरकंद, तो ये मीठा कंद है। तो अभी सब कुछ होने के बाद फिर हम लोग इसका आज सेवन करेंगे, और आज के दिन इसको खाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। और आज के दिन दोस्तों इसको खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि घर के लोग बताते हैं कि ये एक तरीके से फल है और इसका सेवन आज के दिन जरूर करना चाहिए। फाइनली दोस्तों सारे दीप हमने जला दिया है, और अभी आप देख रहे हैं हमारे हाथ में ये है गन्ना। तो आज के दिन थोड़ा ही गन्ना चूहें, लेकिन गन्ने को जरूर चूहना चाहिए आज के दिन, तब जाके एकादशी शुभ माना जाता है। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने देखा, हमने अपने घर में अपने हर एक जगह पे हमने दीप जला लिया। आज दोस्तों हम लोग के बीच में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज एकादशी का पर्व है, और बहुत ही धूमधाम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग दोस्तों एकादशी का त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों आप लोगों को भी एकादशी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बस दोस्तों आप लोगों का मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप लोग अपने इस छोटे भाई पे, अपने इस छोटे बेटे पे, अपने इस छोटे मित्र पे अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखें। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत ही प्यारी लगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे।